टीबी मुक्त हिमाचल के अंतर्गत एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत 1 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग चंबा द्वारा अभियान चलाकर आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर छुपे हुए टीबी रोगियों की पहचान की जाएगी। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि यह टीमें घर घर जाकर क्षय रोग संबंधी जानकारी इकट्ठा करेगी, जिसमें क्षय रोग के लक्षण जांच एवं उपचार के संबंध में जागरूकता उत्पन्न कर संदिग्ध एवं सक्रिय क्षय रोगियों को चिन्हित कर उन्हें इलाज के लिए प्रेरित करेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो 1 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक टीवी मुक्त अभियान जो है चलाने जा रही है, जिसमें जो है वो एक्टिव केस फाइंडिंग की जाएगी। इसमें जो हमारी जो टीमें हैं वो घर घर जाके जो है वो टीवी के केसेस को ढूंढेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 587,292, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, इसको स्क्रीन किया जाएगा। और हमारा जो टारगेट है उसमें से जिनके हम बलगम टेस्ट करेंगे वो टारगेट है 2,935, और उसमें से जो है 2% जो है कि पॉजिटिविटी रेट के अनुसार हमें 57 केस जो हैं वो टीवी के मिलने चाहिए इस कंपेन के दौरान। और ये जो केस होंगे ये जो रूटीन में हमारे अगर कंपेन नहीं चलता है तो तकरीबन 99 केस जो हैं वो एक महीने में निकलते हैं, तो ये इसके अलावा होंगे 99 + 57, ये हमारा इस अगस्त महीने का टारगेट रहेगा। और इस अभियान को चलाने में डिस्ट्रिक्ट में जो है तकरीबन 600 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, और हर टीम में 2 मेंबर हैं। इसमें एक जो है वो आशा होएगी और दूसरा जो है हमारा हेल्थ वर्कर हो सकता है, अगर हेल्थ वर्कर नहीं है तो CHO हो सकता है, हेल्थ सुपरवाइजर हो सकते हैं। अब RBSK का हमारा स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, ANM हैं, हेल्थ एजुकेटर हैं, ICTC काउंसलर हैं, STS हैं, और आयुर्वेदा के जो फार्मासिस्ट हैं वो इन टीमों का हिस्सा होंगे। ये जो टीम है जो हर दिन जो है वो घरों को विजिट करेगी, और कम से कम एक टीम जो है दिन में 30 घर या 120 से लेके 150 लोगों तक जाएगी और उनसे जो एक सवाल पूछेगी, कुछ हमारा क्वेश्चनेयर बना हुआ है तो उसमें वो सवाल पूछेगी तो उससे उसको पता चलेगा कि ये टीबी का इसमें लक्षण हैं या नहीं है। हैं तो फिर वो बताएगी कि आपका वो थूक का सैंपल जो है वो उठाएगी, और वो वही आशा ही उस थूक के सैंपल को नियरेस्ट जो हमारी लैब है उसमें लेके जाएगी ताकि उसकी जाँच की जा सके। अब ये हमारा जो इसमें मेजर फोकस जो रहेगा वो रहेगा जो हमारे दूर दूर के गांव हैं, जैसे तो उसमें क्या होता है कि लोग आते ही नहीं है, खांसी जुकाम है, नहीं आते हैं, चेक भी नहीं करवाते हैं, तो ये घर द्वार उनके जाएंगी आशा, क्योंकि आशा जो उसी गांव की होती है तो इसलिए उसको पता होता है, और वो जाके जैसे दूर दूर के गाँव हैं और जहाँ हमारी जो प्रिजन है जैसे जेल हैं, जेल में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, होस्टल्स हैं, और होमलेस नोमैडिक पॉपुलेशन है जैसे ये गुज्जर गद्दी जो मूव करते रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं, माइन वर्कर्स हैं, स्लम डवेलर्स हैं, इन सब की जो है ना ये इनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, इन ग्रुप्स के ऊपर जिनमें कि टीवी की जो संभावना निकलने की वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जैसे स्मोकर्स हैं और दूसरे बीमारियों से ग्रस्त हैं, पोस्ट कोविड जो जिनको कोविड हो चुका है उनका भी अगर उन्हें कोई सिम्टम है तो उनका भी हम वो सैंपल वो उठाएंगे अगर और उसका जांच करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो वो सवाल जो घर जाके वो पूछेगी उसमें यही है कि उसमें 3-4-5 सवाल ही होते हैं, जैसे किसी को खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा या 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार है, खांसी में खून आता है ना, और उसका जो वज़न है वो एकदम से ज़्यादा कम होना शुरू हो गया, तो वो हमारा वो एक क्वेश्चन बने होता है वो टिक करती जाएगी, और उसको फिर ऐप पे ही टिक करना होता है, तो ऐप में उसको फिर आगे बताया जाएगा इसका अगर तो वो लक्षण है तो यस हो जाएगा तो उसका सैंपल उठाया जाएगा। एक जो है वो ऑन द स्पॉट सैंपल होगा, 2 जो है उसके मॉर्निंग के सैंपल होंगे, और वो फिर अगले दिन आशा जो है वो तीनों सैंपल उठा के जिपर लॉग में डाल के वो उसको नियरेस्ट लेबोरेटरी तक पहुँचा देगी, ठीक है। तो और इसके दौरान जो हमारी आशा है वो लोगों को
बाकी बीमारियों के बारे में भी थोड़ा एजुकेट करेगी। और इसके जो सावधानियां हैं क्षय रोग से बचाव हेतु वो भी बताएगी, जैसे कि खांसते व छींचते समय मुंह को नाक को कपड़े से ढकें, खुले में ना थूकें, ठीक है। और जो खांसी या टीबी के मरीज हैं उनको सामान्य मरीजों से अलग रखें, हवादार कमरे में रखें, ऐसे कमरे में रखें जहाँ धूप वगैरह जाती हो। और जैसे ही अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो उसको बताया जाएगा कि उसका पूरा इलाज वो करे, ठीक है, ताकि और इसका इलाज जो है वो बहुत एक तो मुफ्त इलाज है, 6 से 8 महीने तक दवाई खानी पड़ती है, और जितनी जल्दी अगर डायग्नोज होता है, ये हमारा पर्पज़ ये है कि जितनी जल्दी हम डायग्नोज करेंगे उतनी जल्दी वो ट्रीटमेंट पे डलेगा, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट पे डलेगा और बाकी लोगों के लिए वो नुकसानदायक नहीं होगा। तो ये इस उसका है पर्पज़ है। तो ये 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो है ये हमारा अभियान चलेगा। तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि वो इसमें जो है पूरा योगदान दें। बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो वो लोग जो हैं वो सारा हमारे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमें टारगेट दिया गया है हम उस टारगेट को अचीव करें और इस ज़िले को टीवी से उन्मुक्त कराने के लिए, टीवी को भगाने के लिए हम काम कर सकें। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।